नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बढ़ेंगे खबरों में आगे। शिवसेना की वार्षिक दशहरा रैली की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि दादर के सावरकर ऑडिटोरियम में हुई है और इस रैली में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत में अगर कहीं पर पीओके है तो वो पीएम मोदी की नाकामी है। इसके साथ ही उद्धव ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर भी निशाना साधा। आपको ये बताते चलें कि उद्धव ने राज्यपाल को काली टोपी पहनने वाले व्यक्ति के रूप में पुकारा। उन्होंने कहा कि आज उनसे दशहरा रैली में किए गए मोहन भागवत के भाषण को सुनने के लिए कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुत्व का मतलब मंदिरों में की जाने वाली पूजा नहीं है और आप हमसे कह रहे हैं कि अगर आप अपने मंदिर में नहीं उनके दरवाजे खोले हैं तो आप धर्म निरपेक्ष बन रहे हैं। अगर आप काली टोपी के नीचे कुछ दिमाग रखते हैं तो मुख्य भाषण को सुने। हम हमेशा से चाहते हैं कि मोहन भागवत हमारे देश के राष्ट्रपति बने, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते। तो वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कंगना पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हम 10 चेहरे का प्रतीकात्मक रावण जलाते हैं और एक चेहरे का कहना है कि मुंबई पीओके है। मैं कहना चाहूंगा कि अनुच्छेद 370 हट चुका है। अगर हिम्मत करो तो वहां एक जमीन खरीदने की हिम्मत करो। आप यहां रोजगार के लिए आते हैं और मुंबई को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, मुंबई को बदनाम करते हैं। मुंबई पुलिस को बदनाम क्यों किया गया? ये वही पुलिस है जिसने आपको बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। पीओके के साथ मुंबई की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान है। विजयादशमी के मौके पर गोरखपुर मंदिर में विजय शोभा यात्रा श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से निकाली गई। गाजेबाजे के साथ, आपको बता दें, गाजेबाजे की गूंज के बीच निकली शोभा यात्रा को लोगों ने भी भव्य स्वागत इस यात्रा का किया और कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंद गाड़ी में सवार होकर शोभा यात्रा में शामिल हुए। गाड़ी के अंदर से ही सड़क के दोनों किनारे पर श्रद्धालुओं का अभिवादन यहाँ पर स्वीकार किया गया। शोभा यात्रा की अगुवाई मानसरोवर रामलीला मैदान पर हुई। और याद रखना, कोरोना की जिस लड़ाई को विगत 6 महीने से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश लड़ रहा है, आज दुनिया ने भी भारत का लोहा माना है। भारत का लोहा इस मामले में माना है क्योंकि इस महामारी की विकरालता को समझना और उस पर तत्काल निर्णय ले लेना, निर्णय लेने के साथ ही हम व्यापक जन और धन की हानि को कैसे रोक सकें, और स्वाभाविक रूप से जब बचाने की नौबत आएगी तो हमें जन हानि हर हाल में रोकनी है। अगली खबर का रुख करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर हमला किया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हम कश्मीर में धारा 370 हटाते हैं, एक देश में एक निशान, एक विधान और एक संविधान बन जाता है, लेकिन राहुल गांधी जो हैं वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। नड्डा ने आगे कहा कि राहुल गांधी दलीलें देते हैं कि श्रीनगर के लोगों के साथ अन्याय हुआ है और उनकी दलील लेकर इमरान खान संयुक्त राष्ट्र में जाते हैं और राहुल की बात करते हैं, ये भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि पाकिस्तान का। जेपी नड्डा ने यह भी बयान राजस्थान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न बीजेपी जिला कार्यालयों का उद्घाटन और शिलान्यास करते समय दिया। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पर निशाना साधा। उन्होंने बयान दिया, साथ ही उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर हमला किया है और मामले पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश क्या फैसला सुनाएंगे इसका जिक्र किया और इसका अंदाजा नहीं लगाएं। अब्दुल्ला ने ट्वीट में कहा है कि प्रिय रविशंकर प्रसाद जी, हम आपसे कुछ भी बहाल करने की उम्मीद नहीं रखते हैं, लेकिन जब तक उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता है कृपया ये अंदाजा नहीं लगाया जाए कि माननीय न्यायाधीश क्या फैसला देंगे। आपको बता दें कि शनिवार को रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि अनुच्छेद 370 के तहत भूतपूर्व राज्य जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल नहीं किया जाएगा।
उधर मोहन भागवत ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून भी संसद की पूरी प्रक्रिया के बाद पास हुआ, कानून का विरोध करने वाले थे। राजनीति में तो ऐसा चलता है और ऐसा वातावरण बनाया है कि देश में मुसलमानों की संख्या न बढ़े, इसलिए नियम लाया जिससे प्रदर्शन आदि होने लगे। और इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हम बच्चे नहीं हैं, हमें भटका दिया जाए। बीजेपी ने CA और NRC का एक साथ क्या अर्थ है ये भी नहीं बताया। अगर ये मुसलमानों के बारे में नहीं है तो कानून से धर्म के सभी संदर्भों को हटा दें। ये बात जान लें कि जब तक कानून में हमें अपनी भारतीयता साबित करने की बात होगी तब हम इसका बार बार विरोध करेंगे, क्योंकि हम भारतीय हैं और रहेंगे। बिहार में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, सभी पार्टियों के नेता विपक्षी दलों पर हमलावर होते जा रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का जो दौर है वो तेज हो गया है। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट कर फिर से CM नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। चिराग ने अपने ट्वीट में बिहार फर्स्ट, बिहारी और फर्स्ट को फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा है कि जिन सीटों पर लोजपा के प्रत्याशी खड़े हैं उन्हें वोट दें ताकि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को वहां लागू किया जा सके। वहीं जहां पर लोजपा के प्रत्याशी नहीं है वहां पर उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी को समर्थन देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस बार नीतीश कुमार मुक्त सरकार बनने जा रही है। अगली बड़ी खबर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने ट्विटर के जरिए ये जानकारी दी। वो आपको बता दें कि इस दरमियान उन्होंने कहा कि वो ठीक हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हाल ही के दिनों में जो संपर्क में लोग आए हैं वो आइसोलेशन में घर में काम करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि RBI में काम सामान्य रूप से चलेगा, मैं सभी डिप्टी गवर्नर और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपर्क में हूँ। हाल में शक्तिकांत दास ने कहा था कि कोरोना काल में देश की इकोनॉमी पर छाया संकट दूर होता दिख रहा है, ऐसे में उनके खुद के कोविड पॉजिटिव पाए जाने को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। अमेरिका से बोइंग एयरक्राफ्ट का दूसरा विशेष विमान भी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुका है और इस आधुनिक विमान से देश के 3 VVIP, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ही यात्रा करेंगे। एयर इंडिया 1 नाम का ये विशेष विमान रविवार को भारत पहुंचा और इसके पहले आपको बता दें कि इसी श्रेणी का एक दूसरा विमान इस महीने की शुरुआत में भी भारत आ चुका है। तकनीक, मारक क्षमता के साथ ही सुरक्षा और जरूरत पड़ने पर चकमा देने के मामले में ये विमान अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स 1 जैसा ही है और इसी तर्ज पर इस विमान का नाम भी एयर इंडिया 1 रखा गया है। सुरक्षा संबंधी कारणों की वजह से इस विमान की खासियत को गुप्त रखा जाता है, लेकिन इस विमान में बैठा व्यक्ति आसमान से ही वीडियो और ऑडियो संपर्क धरती पर सीधा कर सकता है और इसके आपको बता दें कि हैक ना होने का खतरा भी इस बीच नहीं है और बातचीत टेप होने का कोई खतरा नहीं है। सीधे तौर पर तमाम तकनीकों से ये लैस है जो दिल्ली पहुंचा है विमान। और उधर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का मुंबई ऑफिस जब से टूटा है तब से उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना सांसद संजय रनौत की अगर बात की जाए, संजय राउत पर निशाना साधने में वो नहीं चूक रही हैं। आपको बता दें कंगना अपने घर और ऑफिस को लेकर महाराष्ट्र सरकार को खरी खरी सुनाती नजर आ रही हैं। ऐसे में अब उन्होंने दशहरे की बधाई देते हुए एक बार फिर से संजय राउत पर निशाना साधा। कंगना ने हनुमान जी की मूर्ति और अपने 5 नंबर के बंगले का फोटो शेयर करते हुए लिखा कि मेरा टूटा हुआ सामान तुम्हारे चेहरे के सामने मुस्कुरा रहा है। संजय राउत, पप्पू सेना मेरा घर तोड़ सकती है, मेरी आत्मा नहीं। साथ ही बंगला उमेर 5 आज बुराई पर अच्छाई की जीत मना रहा है। हैप्पी दशहरा। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत आए दिन अपने बयानों को लेकर खूब चर्चाओं में रहती हैं और वहीं आपको बता दें हाल ही में आरक्षण के मुद्दे पर भी अपनी राय सभी के सामने उन्होंने रखी।
साथ ही कंगना ने इस ट्वीट में ब्राह्मणों की स्थिति पर दुख जताते हुए कहा कि आरक्षण हमेशा गरीबी के आधार पर ही मिलना चाहिए। अब कंगना के ये बयान की अगर बात की जाए तो ये बयान जो है काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए कंगना ने लिखा है कि आरक्षण तो हमेशा गरीबी के आधार पर ही बनाकर देना चाहिए, जाति के नाम पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि राजपूत समुदाय काफ़ी तकलीफ में है, लेकिन ब्राह्मणों की स्थिति देखकर भी बहुत दुख होता है। अभिनेत्री लवीना लोधी ने वीडियो जारी करके फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। लवीना लोधी ने इस वीडियो में, आपको बता दें कि एक्ट्रेस अमायरा दस्तूर का भी जिक्र किया है। वीडियो में दावा किया गया है कि सुमित की तरफ से अमायरा और पब्बी को ड्रग्स दिए जाते थे। अब वीडियो के उस पहलू पर अमायरा की अगर बात की जाए, अमायरा दस्तूर के वकील की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई है। वकील ने लवीना लोधी कि सभी आरोपों को झूठा बता दिया। उन्होंने लीगल एक्शन लेने की भी बात कही है। वकील ने कहा है कि हमारे क्लाइंट इन सभी बयानों को सिरे से नकारती हैं। ये वीडियो झूठ और गलत तथ्यों पर आधारित है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में एनसीबी ने एक बार फिर से गिरफ्तारी की है। आपको बता दें, दरअसल एनसीबी की छापेमारी के दौरान एक टीवी एक्ट्रेस रंगे हाथ पकड़ी गई, साथ ही दो और ड्रग्स पेडलर भी गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि एनसीबी से जुड़े सूत्रों की माने तो इस गिरफ्तारी में टेलीविजन एक्ट्रेस और पकड़े गए ड्रग्स पेडलर्स के घर और ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। इनके पास से कोकीन के साथ ही एलएसडी और एमडीएसए के साथ ही तमाम हशिश बरामद हुआ है। तमाम नशीले पदार्थ इनके घर से बरामद हुए और इसके पहले भी ड्रग्स पेडलर्स पर एनसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको ये बता दें कि सुशांत केस में मुंबई पुलिस की धीमी जांच को देखते हुए जब ये मामला सीबीआई को सौंपा गया था, तभी से इस केस में ड्रग्स के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और एक के बाद एक गिरफ्तारियाँ का जो सिलसिला है वो जारी है। मिर्जापुर वेब सीरीज के दूसरे सीजन का इंतजार जो है फैंस को पिछले दो सालों से था, जो कि 22 अक्टूबर की रात को ख़त्म हो गया। जैसे ही प्राइम वीडियो पर ये सीरीज आई, लोग इसे देखने के लिए टूट पड़े और इसे लेकर कमेंट भी सोशल मीडिया पर बढ़ते ही जा रहे हैं। कमेंट की बाढ़ आ गई है। तमाम फैंस ने मिर्जापुर 2 को पसंद किया है और उसके बारे में ढेरों ट्वीट किए हैं। हालांकि अब वेब सीरीज मिर्जापुर मुश्किल में भी पड़ गई है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की सांसद अनुप्रिया पटेल ने वेब सीरीज मिर्जापुर को हिंसक बताते हुए इसके खिलाफ जांच की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग किया है और सीरीज की जांच की मांग की है। उधर नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत सिंह की शादी को लेकर उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं। शादी से नेहा और रोहन प्रीत के कई वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें, इनमें से जो सबसे खास है वो नेहा का रोहन प्रीत सिंह के लिए मैं तेरी हो गई गाना जो है वो जाहिर तौर पर सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। वीडियो में बॉलीवुड सिंगर लाल रंग के लहंगे में नज़र आ रही हैं, जिसमें उनका लुक काफ़ी रॉयल और खूबसूरत लग रहा है। स्टार सिंगर नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत ने शादी रचा ली है। ये ग्रैंड वेडिंग गुरुद्वारे में हुई और अब आपको बता दें, वहीं इस शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहे हैं। इसी बीच नेहा कक्कड़ की विदाई एक वीडियो में भी सामने आई है और जो कि सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। इस वीडियो को देखकर नेहा के फैंस बेहद इमोशनल भी हो रहे हैं। नेहा कक्कड़ का ये विदाई वीडियो उनके एक फैंस ने
शेयर किया है, जिसमें नेहा का चेहरा तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन रोहनप्रीत उन्हें कार में बिठाते जरूर दिख रहे हैं। तो वहीं आसपास खड़े लोगों के साथ साथ रोहनप्रीत भी इमोशनल नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि रोहन जो है नेहा को किस तरह से कार में बैठने के लिए बोल रहे हैं और कुछ लोगों की मदद भी मांग रहे हैं। रोहनप्रीत के इस अंदाज को देखकर उनके फैंस सीधे तौर पर जेंटलमैन टैग दे रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज। सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर। पहुंचा ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, बढ़ेंगे खबरों में आगे। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आंतरिक विद्रोह के चलते BSF हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान से सटी राजस्थान की करीब 1070 किलोमीटर लंबी सीमा पर BSF के जवान पहले से अधिक सतर्क हो गए हैं। जवान सीमा पार की गतिविधियों पर भी लगातार निगरानी रख रहे हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सीमा राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों से सटी हुई है। सिंध प्रांत में करीब 18 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि इसके बाद पाकिस्तान सेना और पुलिस आमने सामने है। नागरिक भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान के आंतरिक विरोध के कारण BSF को अलर्ट पर रखा गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो क्लिप साझा की है, जिसमें उनकी बेटी समीशा कन्या पूजन के समारोह में दिखाई दे रही है। आपको बता दें, वीडियो क्लिप में शिल्पा अपने पति राज कुंद्रा के साथ
लड़की को हलवा परोसते नजर आ रहे हैं। उन्होंने समीक्षा के पैरों की झलकियां भी पोस्ट की हैं। उन्होंने लिखा है कि आज अष्टमी के शुभ अवसर पर हम अपनी देवी अमीषा के आशीर्वाद से बहुत ही सौभाग्यशाली रहे। साथ ही आपको बता दें कि समीक्षा की ये पहली नवरात्रि है और इसलिए 8 छोटी बच्चियों के साथ कन्या पूजन किया गया और सभी सावधानियों के साथ देवी माँ का स्वागत किया गया। अगली खबर का रुख करेंगे सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन के लिए। मंदिर प्रबंधन अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करने जा रहा है। यह व्यवस्था कोरोना संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखकर बनाई गई है। नई व्यवस्था के तहत भक्तों को मंदिर परिसर में प्रवेश करने के लिए QR कोड दिखाना होगा, साथ ही उन्हें मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग से गुजरना होगा। बिना मास्क के मशीन मंदिर में प्रवेश नहीं होने देगी। मंदिर परिसर में एक साथ सिर्फ 200 भक्त ही दर्शन कर सकेंगे और भक्तों की संख्या बढ़ने पर कंप्यूटर प्रवेश द्वार नहीं खोलेगा। साथ ही आपको बता दें कि इस दरमियान तमाम तकनीकों का इस्तेमाल किया गया और तकनीकी इस्तेमाल के साथ ही ये व्यवस्था सीधे तौर पर सिद्धिविनायक मंदिर में चाक चौबंद नजर आ रही है। उधर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अगर बात की जाए तो देश के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और आपको बता दें इसी कड़ी में जम्मू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने PDP ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और PDP दफ्तर पर तिरंगा भी लगा दिया। प्रदर्शनकारियों की अगर बात की जाए तो महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की वो मांग कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं मिल जाता तब तक तिरंगे को वो हाथ नहीं लगाएंगी। देखिए, पिछले दिनों जैसा कि एक हम लोगों ने सुना था कि एक महबूबा मुफ्ती द्वारा एक बयान दिया गया था कि जम्मू कश्मीर को जब तक जम्मू कश्मीर का एक फ्लैग जो है वो वापस नहीं मिल जाता तब तक हम लोग तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगे। तो उसी के विरोध में यहाँ पर कल भी प्रदर्शन किया गया था काफ़ी लोगों द्वारा और आज जिसके बाद यहाँ पर जो तिरंगा लगाया गया तो उस तिरंगे को दोबारा PDP एक्टिविस्ट द्वारा उतारा गया, जिसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पहुँचे थे और हम लोग एक चेतावनी के माध्यम से यहाँ पहुँचे थे कि हम इनको ये बता देना चाहते थे कि केवल आप ही लोग नहीं है जो तिरंगे को उठाएंगे, तिरंगा आपका मोहताज है। तिरंगे को उठाने के लिए हम जैसे और पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे नौजवान हैं जो तिरंगे को अपनी जान देकर भी उठाने को तैयार हैं। जब हम लोग यहाँ पहुँचते हैं और तिरंगा हम यहाँ पर इसी ऑफिस में लगाना चाहते हैं कि जहाँ पर इस पॉलिटिकल पार्टी की जो सदर हैं उन्होंने ऐसी बात कही है तो हम लोग उनका विरोध करते हुए यहाँ पर तिरंगा लगाएंगे। जैसे हम तिरंगा लगाने आते हैं तो यहाँ पर पुलिस द्वारा जो है हम लोगों को रोका जाता है। पुलिस द्वारा केवल रोका ही नहीं जाता, यहाँ पर कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की भी कोशिश की जाती है। जिसके 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले अमेरिका के विदेश सचिव माइक पोमियो और रक्षा सचिव मार्क की अगर बात की जाए तो भारत की यात्रा पर आएंगे और इस यात्रा को अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इस यात्रा का मकसद राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के चीन विरोधी अभियान के संदेश को और मजबूत करना है। ट्रंप प्रशासन की ओर से ये कवायद ऐसे समय हो रही है जब ट्रंप के प्रतिद्वंद्वी और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो ब्रिडेन भारतीय को रिझाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी विदेश मंत्री की भारत यात्रा अमेरिका चुनाव के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी एक राजनीतिक शक्ति बनकर उभर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान कार्यालय से जुड़े बयान में कहा गया कि भारतीय अमेरिकी राजनीति के रूप में शक्तिशाली हुए हैं। बयान में आगे कहा गया कि आपको अपनी शक्ति का भले ही एहसास न हो लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप आपकी शक्ति को बेहतर समझते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में पहली बार भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेटिक समर्थकों ने रिपब्लिकन की ओर रुख किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारतीयों में यह बदलाव ट्रंप की जीत का एक बड़ा कारण हो सकता है। भारतीय अमेरिकी इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
भारतीय और अमेरिकी मूल की लोकप्रिय रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप 2016 में राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद उन्हें विदेश मंत्री बनाने के लिए बात करना चाहते थे। एक कार्यक्रम में हेली ने कहा कि मैं उस समय साउथ कैरोलिना में थी और वहाँ की गवर्नर थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस राज्य में बड़ी हुई, जहाँ पर उस राज्य की सेवा में मैं लगी हुई थी, और तभी 2016 में चुनाव के बाद मुझे एक फ़ोन कॉल आया। उन्होंने बताया कि ये फ़ोन कॉल रेंस प्रीवस ने किया था और वो उस समय रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के अध्यक्ष थे और बाद में वो ट्रंप के पहले व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ भी बने। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे पहले सीधे तौर पर मौका मिल रहा था एक बड़े पद के लिए अमेरिका में, लेकिन मैं पहले से जिम्मेदारी संभाल रही थी इसलिए मैं नहीं गई। उधर आपको बता दें कि FSTF की ओर से खुद को ग्रे लिस्ट में रखे जाने को बेशर्म पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेटिक जीत बताया है। पाकिस्तान ने उद्योग मंत्री हम्मद अजहर ने कहा कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किए जाने का खतरा अब टल गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पार्ट्स की ओर से बगैर मतदान के दिया गया फैसला हमारी डिप्लोमेटिक जीत है। अपनी आवाम से झूठ बोलने वाले पाकिस्तान के बारे में बता दें कि शुक्रवार को जब वह निगरानी सूची से खुद को बाहर करने के लिए पैरवी कर रहा था तो सिर्फ तुर्की ने ही उसका साथ दिया। तुर्की ने पाकिस्तान की वकालत करते हुए कहा था कि अब तक हुई कार्रवाई में पाक ने बेहतर काम किया है। हजारों इजरायलियों की ने आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बेंजामिन के सरकारी आवास के बाहर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री पर धोखाधड़ी, विश्वास भंग करने और अमीर सहयोगियों के साथ ही मीडिया मोगल से जुड़े तमाम घोटालों के आरोप लगाए। बेंजामिन के खिलाफ पिछले 4 महीने से विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। केंद्रीय यरूशलम स्थित उनके आवास के बाहर हजारों की संख्या में इजरायली प्रदर्शनकारी जमा हुए और यह प्रदर्शनकारी लगातार प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनसे ट्रायल की वजह से और कोरोना वायरस महामारी से बनी स्थिति को ठीक से न संभालने के कारण इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक एजुकेशनल सेंटर के बाहर हुए आत्मघाती बम हमले में कम से कम 18 लोग मारे गए हैं तो वहीं दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। साथ ही इंटीरियर मिनिस्ट्री के हवाले से बताया गया कि उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए कोर्स कराने वाले एक निजी शैक्षणिक केंद्र में विस्फोट हुआ। साथ ही शिया मुस्लिम बहुल वाले 10वें वारची इलाके की इस इमारत में आमतौर पर सैकड़ों छात्र रहते हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। इस्लामिक स्टेट समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है लेकिन इसके कोई सबूत नहीं दिए गए हैं और इसके पहले तालिबान ने हमले में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उधर इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान जो रूट का कहना है कि भारतीय कप्तान विराट कोहली ने साथ ही 3 फॉर्मेट में संपूर्ण क्रिकेटर वो हैं और रूट ने कहा है कि वह खुद का ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन के बीच टॉप बल्लेबाज नहीं मानते हैं। रूट ने कहा है कि मैं खुद को अन्य खिलाड़ियों के साथ आंकने की कोशिश नहीं करता हूं, लेकिन तीनों फॉर्मेट में अलग अलग पारियों के बारे में बहुत कुछ मैंने देखता हूं मैं और आप 3 सबसे महान खिलाड़ियों को देख रहे हैं। रूट ने कहा है कि विराट तीनों फॉर्मेट में सबसे परिपूर्ण है। साथ ही सीमित ओवरों के फॉर्मेट में लक्ष्य का पीछा करने और उसे गति देने के साथ साथ अंत में आउट नहीं होते हैं वो और असाधारण हैं, इसलिए सभी अच्छे फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं। उन्होंने सीधे तौर पर विराट कोहली की जमकर प्रशंसा की है।
आईपीएल की बात की जाए तो हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर आईपीएल में एक नया रिकॉर्ड कायम उन्होंने किया है। वार्नर किंग 11 पंजाब के खिलाफ 900 से ज़्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। डेविड वार्नर ने इस लीग में कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ भी 900 से ज़्यादा रन बनाए हैं। साथ ही वार्नर ने आईपीएल में अब तक पंजाब के खिलाफ 902 रन जबकि कोलकाता के खिलाफ 912 रन बनाए हैं और अब वह इस लीग में ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने किसी दो टीम के खिलाफ 900 से ज़्यादा रन बनाए हैं। चलिए बिहार चुनाव का भी जिक्र कर लेते हैं। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव नालंदा जिले के इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे जहां पर उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन उम्मीदवार राकेश रोशन के पक्ष में वोट भी मांगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन 15 साल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा को पूरी तरह से चौपट कर दिया है तो आज नियोजित शिक्षकों के हाल जो है मजदूरों से भी बद से बदतर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अन्य मार्ग से बाहर नहीं निकलते थे और उस वक्त उन्हें कोरोना का डर था, लेकिन चुनाव के वक्त मुख्यमंत्री को कोरोना का डर नहीं है, इसलिए घूम घूम कर लोगों से वोट मांग रहे हैं। और यहां वक्त उचला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। बिहार के रोहतास जिले में फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने, आपको बता दें कि नासरीगंज और राजपुर के साथ ही नौखा में ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की। अक्षरा सिंह ने जनतांत्रिक विकास पार्टी के नौखा से उम्मीदवार आरती देवी के पक्ष में चुनावी सभाएं की और इस चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अक्षरा सिंह ने गीत संगीत के माध्यम से लोगों से वोट की अपील की। अक्षरा ने निमिया की डाल मैया झूलेला झूलनवा होके झूलेला
इस तरीके के गीत गाए और साथ ही उन्होंने आपको बता दें कि आरती देवी के पक्ष में वोट देने की अपील की। ईट ईट जोड़ के ही बनेगा मकान जी, आरती अनिल हर दिल के है अरमान जी, सुख दुख साथ रहे सच्चे इंसान को विजय। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के काटी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जमकर विरोध हुआ। लोगों ने चुनाव के बाद नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने की मांग की और इस दौरान नारेबाजी कर रहे लोगों ने एक सुर में हमें चाहिए रोजगार के नारे लगाए, साथ ही नीतीश कुमार वापस जाओ के भी नारे लगे। दरअसल काटी विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनसभा होने वाली थी और बड़े पैमाने पर पुलिस की तैनाती भी की गई थी, लेकिन इसी बीच दूसरे प्रत्याशी के लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध शुरू कर दिया। हमें चाहिए रोजगार, हमारा विधान, हमारा विधान खोला जाए जवान के, लेकिन मुख्यमंत्री ने सुना नहीं। अगली खबर का रुख करेंगे मधुबनी जिला के लोकहा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों ने। आपको ये बता दें कि सिसवार हॉस्पिटल को फिर से चालू करने के वादे पर भारतीय जनता दल यूनाइटेड के लक्ष्मेश्वर राय को भारी मतों से जीत दिलाई थी और वह जब मंत्री बने तो वापस अपने क्षेत्र को कभी देखने नहीं आए। वहीं अब जब चुनाव का दौर शुरू हुआ है तो नेताजी फिर से लोगों के बीच वोट मांगने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस दौरान ग्रामीणों ने भी उनसे कई सारे सवाल पूछ लिए। ग्रामीणों ने पूछा कि आपने हमारे क्षेत्र में क्या काम किया है, आप हमें सिर्फ 5 काम गिना दें जो आपने किए हों। वहीं इतना सुनते ही मंत्री जी गुस्से से तिलमिला उठे और वो बिना जवाब दिए वहां से रफू चक्कर हो गए। आज हम लोगों ने माननीय आपदा प्रधानमंत्री लक्ष्मेश्वर राय जी का घेराव करने का हम लोगों का जो मुख्य कारण था ग्रामीण विकास पे चर्चा। हम लोगों के ग्राम विकास में सबसे मुख्य मुद्दा था हॉस्पिटल, जो हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है राजकीय हॉस्पिटल के नाम से, जो 1925 में एस्टैब्लिश था, धीरे धीरे वो खंडहर में तब्दील हो गया। हम लोगों ने 5 साल तक इन पर विश्वास किया और आज और कल का ये वादा करते करते 5 साल गुजार लिए। सत्कार कमेटी और एसपी जीपीसी टास्क फोर्स के बीच शनिवार को हुई हिंसक झड़प के बाद रविवार को एसजीपीसी प्रधान गोविंद सिंह लोंगेवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर सत्कार कमेटी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि सत्कार कमेटी की ओर से एसजीपीसी के मुलाजिमों पर हमला किया गया है, जो कि सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है। साथ ही उन्होंने इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि सिख संगठनों के साथ हमारी कई बार बैठकें हो चुकी हैं, हमने उनकी हर बात मानी है, लेकिन बाहर जाकर उनके तेवर बदल जाते हैं। साथ ही हमने इन्हें कमरों के अलावा हर सहूलियत दी है, हम नहीं चाहते कि टकराव हो। इन्होंने हमारी मर्यादा को भी सीधे तौर पर चोट पहुंचाने का काम किया है, दखल अंदाजी शुरू कर दी है। लेकिन जो बाहर चले जाते वो सारिया गलों तो मुकर जाते। फिर इतों तक भी इन्होंने कहा कि सानू 17 तरीक नकाल तख्त साहब के सिख जथेबंदियों की उत्तर मीटिंग हो रही है, उदों तक सू इजाजत दे दो, फिर उस बाद अं धरना चुक लेंगे। तो इन्होंने अं हर तरह का सहयोग देंगे रहे हैं, क्योंकि तुम देखोगे जे कोई धरना दिता है किसी के खिलाफ सरकार का, देख लो और देख लो, वो कोई कोऑपरेशन नहीं करता। तो असी देख हर तरह की कोऑपरेशन की इन्होंने नाल, इन्हों लंगर भी उत्थे पहुँचाते रहे, इन्हों कमरे भी जो वधिया तो वधिया कमरे जो वो भी इन्हों दिते गए, और इन्हों हर तरह की जो इन्हों असी जो किया कि इन्हों पखे भी लाए गए ताकि बैठ के मिल करके, असी नहीं चाहते सी कोई टकराव हो कि मिल बैठ के सारी गल का जो हल होना चाहिए, भावे दूसरे स्वरूपों का यह मसला है। लेकिन सदा अपनी गल तो मुकरते रहे, समय समय मुकरते रहे, एक नहीं बहुत लंबा समा चल।
होशियारपुर के टांडा में 6 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी पर पीड़ित परिवार के साथ दुख साझा करने को रविवार को सामाजिक सुरक्षा महिला और बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी पहुंची। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस मामले में हो रही कार्यवाही की निजी तौर पर निगरानी कर रहे हैं ताकि इस घृणित जुर्म के आरोपियों को सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार और हल्का उड़मुड़ से विधायक संगीत सिंह और डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात समेत पीड़ित परिवार के साथ हमदर्दी जताते हुए अरुणा चौधरी ने कहा कि पंजाब सरकार इस संकट और दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है, आरोपी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रविवार को स्पष्ट तौर पर कहा है कि हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की ढीली कार्रवाई से उलट उनकी सरकार ने होशियारपुर जबरन बलात्कार और कत्ल के मामले में तुरंत कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि चालान इसी हफ्ते अदालत में पेश कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंजाब पुलिस की ओर से इस मामले में तत्काल तौर पर कार्रवाई करते हुए बिना किसी देरी के मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया, जबकि हाथरस मामले में ऐसा नहीं किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि यही कारण है कि राहुल गांधी को पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए यूपी के हाथरस जाना पड़ा और होशियारपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। कृषि कानूनों को लेकर शिरोमणि अकाली दल के पूर्व कैबिनेट मंत्री सिकंदर सिंह मलूका ने अपने अकाली दल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बठिंडा में कन्हैया चौक पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका और इस मौके पर मलूका ने कहा कि दशहरा पर्व के अवसर पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के साथ ही अन्य लोगों के पुतले जलाए जाएंगे, लेकिन हमने केंद्र सरकार की ओर से जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं उसे लेकर हमने केंद्र सरकार का सीधे तौर पर पुतला फूंका है। ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਕੇ 4-3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥਰਮਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 4 ਪੂਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨੇ ਸਰੂਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਮ ਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। मोदी रावण से भी बड़ा अहंकारी है और इसलिए उनका पुतला फूंककर काला दशहरा मनाया गया है, ये कहना है किसान नेता सुरेंद्र सिंह लोहारी का। आपको बता दें कि उन्होंने यह विचार जिला फतेहगढ़ साहिब के रेलवे स्टेशन के पास केंद्र सरकार की ओर से पास किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये कानून किसानों के खिलाफ है और हम इसलिए इस कानून का विरोध कर रहे हैं। जिन्हें भी कानून हुण तक मोदी राज बने ने उन्होंने लोगों को दुख दिता है, लोगों दे विच रोस पैदा होया और खास करके जो किसानों के बारे काले कानून पास किए गए हैं यदा सब तो वध असर है वह पंजाब हो रहा है। पंजाब की किसानी सारी तबाह हो रही है और सारा कुछ पंजाब का जो कारोबार है दारो मदार खेती पर आधारित है, जे किसानी फेल होगी तो सारा समुचा। उधर बरनाला में कृषि कानूनों के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों की ओर से दशहरा पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बड़े उद्योगपतियों का पुतला जलाया गया। इस मौके पर किसानों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपतियों के पुतलों के साथ, आपको बता दें कि शहर भर में इन पुतलों को बाजार में मार्च के तौर पर निकाला गया। साथ ही रोष मार्च में बड़ी संख्या में किसान महिलाएं और अन्य वर्ग के लोग भी शामिल हुए। इस मौके पर किसान संगठनों का कहना था कि जब तक मोदी सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती तब तक उनका यह संघर्ष जारी रहेगा। जेड़े इतों कार प्रोग्राम
कारपोरेट घराणियां ने तो मोदी तो बिल लागू कराए आ जमीन लैण वास्ते, जमीन जटा तो खोण वास्ते तरह तरह के यह कानून बनाउंदे आ। पिछे भूमि ग्रहण बिल कराया से वह भी किसानों ने वापस कराया, हुण इहने आह जिहड़े तीन एडीडेंस जारी कीते किसान विरोधी आ, किसानों के विरोधी आ, किसानों दीआं जमीनां खोण का मसला है, चाहे वह कनैक्ट फेज ते आ चाहे वह मंडीगढ़ बोर्ड का मसला, सारा कुल मिला के जे कहीए तो जमीन के कब्जे करना पे, असीं वह जमीन के कब्जे नहीं होण देवांगे। जानी ये साडा पहलां भी लाण कीता वै भी जे कोई तहसीलदार दफ्तर बह के कुरकी कर दू जां कोई उत्थे कारपोरेट घराणे कर दे, पर फैसले तो वट ते आ के होणे आ, उत्थे देखांगे जदों साडीआं जमीनां च बणनगे। असीं रापराले कोल वेले कहा सी। आगे बढ़ेंगे, पटियाला में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यक्रम के बाद दो गुटों में आपस में भिड़ंत हो गई और इस दौरान फायरिंग भी हुई जिसमें दो युवक घायल हो गए। घटना नगर निगम ऑफिस के नज़दीक चौक की बताई जा रही है। पुलिस के सख्त पहरे के बावजूद हथियारों से लैस होकर पहुंचे गुट ने इस घटना को अंजाम दे दिया और मौके से फरार हो गए। गोली लगने से जख्मी युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के हमीरपुर जिले में एक भक्त ने कोटेश्वर महादेव शिव मंदिर में अपनी गर्दन काटकर बलि देने का प्रयास किया, लेकिन तभी मंदिर के पुजारी ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि घायल शख्स की हालत ठीक नहीं है और उसने ऐसा खुद को भगवान को समर्पित करने के लिए किया है। पारा थाना के बेरी गांव में सुबह 5 बजे की घटना है। जानकारी मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम रुक्मणी विश्वकर्मा है, वो काफ़ी पूजा पाठ करता है, तो उसने अपने गले पर चाकू से प्रहार किया शिव मंदिर में, वहाँ खून वगैरह गिरा। जानकारी मिलने पर वहाँ पर एम्बुलेंस से उनको ले जाएगा इलाज के लिए और वहाँ टाके वगैरह। उधर कोरबा जिले की पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले में 24 लोगों को गैर इरादतन हत्या समेत साक्ष्य छुपाने समेत अन्य धाराओं में आरोपी बनाया है। दरअसल करतला थाना क्षेत्र की अगर बात की जाए तो गांव बेहर जुआ निवासी 23 वर्षीय युवक का किसी युवती से प्रेम प्रसंग था। प्रेमिका से मिलने के लिए वह अपने दोस्त के साथ जंगल गया हुआ था, तभी जंगल में जंगली सुअरों को मारने के लिए बिछाए गए करंट के तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। जबकि मृतक और उसका दोस्त जंगल में अलग अलग रास्तों पर जा रहे थे और जंगल में कुछ लोगों को देखकर वहां से भाग खड़े हुए, साथ ही उनके दोस्त की भी इस घटना में भनक नहीं लग पाई। तो वहीं आपको बता दें, जब घर वापस आया तब इधर पता चला कि उसका दोस्त जो है वो करंट लगा है उसे और उसकी मौत हो गई है। इसके बाद इस पूरे मामले में तमाम लोगों ने प्रदर्शन किया और जिन लोगों ने ये जाल बिछाया था उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। हमीरपुर में लुटेरों के हौसले बुलंद हैं। 3 लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। सोने चांदी का काम करने वाले व्यापारी को बाइक से गिराकर लुटेरों ने जमकर मारपीट की और 1.25 किलो चांदी के साथ ही 5 तोला सोना और 37,000 रुपये की नकदी लूटकर फरार हो गए। साथ ही पुलिस ने 3 अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। वहाँ से छतरपुर साइड से हम आ रहे थे सो इधर एक आदमी मिल गया, इधर खड़ा था, सो उसने बाइक रुकाई, सो मैंने हल्की बाइक रोकी। बाइक रोकने के बाद में बस बोलता है मुझे भी ले चलो, तो मैंने की नई गाड़ी है मैं नहीं लेके चलूँगा। बस इसके बाद में मैं चलने लगा, सो मेरी बाइक पकड़ ली। सो फिर इसके बाद में बस दो आदमी आ गए। इसके बाद में उन लोगों ने सामान वामान छुड़ा लिया, मेरा बैग छुड़ा लिया, बस पैसा रुपये छुड़ा लिए। आपके साथ मारपीट की है? मारपीट भी की। क्या क्या सामान छुड़ाया गया आपसे? सामान है मेरा, पायल है और तोड़िया मतलब मीना है। खबर गोंडा से है, जहां पर एक अस्पताल में मरीज के तीमारदारों ने जमकर तोड़फोड़ की। साथ ही मरीज को अस्पताल लेकर पहुंचे तीमारदारों ने हंगामा उस समय किया जब डॉक्टरों की अगर बात की जाए, डॉक्टर ने मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। दर्जन भर की संख्या में अस्पताल पहुंचे तीमारदारों ने लोहे की रॉड से जमकर तोड़फोड़ करते हुए हंगामा किया। ये पूरी घटना अस्पताल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने मामले में जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना नगर कुतवाली क्षेत्र के
एपेक्स सेंटर की है। साढ़े दस के आसपास एक पेशेंट मुझे दिखाने आया था, मैंने देखने पे मना करने के बाद एक घंटे बाद मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, आठ आदमियों के साथ आता है, तोड़फोड़ मचाता है और मारने की कोशिश भी किया उसने। क्या क्या नुकसान किया आपको? सारे शीशे तोड़ दिए हैं, अंदर के शीशे भी तोड़े गए हैं, सरिया से हमला करने की कोशिश की गई है और लूटपाट करने की कोशिश की है। क्या लगता है जी, क्या लग रहा है? कुरुक्षेत्र के नए बस अड्डे पर खड़ी बस में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि बस में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। कोरोना का असर हर तरफ दिखाई दे रहा है, वो चाहे बाजार हो, व्यापार हो या फिर त्यौहार। इस बार दशहरा पर्व पर भी कोरोना का असर देखने को मिला। आपको बता दें कि सिरसा में हर वर्ष बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ धूमधाम से दशहरा पर्व मनाया जाता है। साथ ही रामलीला भी कई दिनों तक चलती थी, लेकिन इस बार रामलीला भी ऑनलाइन दिखाई गई और कोरोना के चलते दशहरा का जुलूस भी केवल दो झांकियों तक ही सीमित रह गया। उधर कुल्लू में दशहरा उत्सव पर भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा में पहली बार कम देवी देवताओं ने हिस्सा लिया। कोरोना संकट के चलते मात्र 200 श्रद्धालु ही इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस रथ यात्रा में सभी भक्तों के चेहरे पर मास्क के साथ साथ सामाजिक दूरी के नियमों का भी पालन देखने को मिला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी ऊर्जा विहीन और एक रूढ़िवादी के साथ ही संकीर्ण सोच के हो गए हैं। जिस तरह के उबाऊ पकाऊ बेमतलब के भाषण और बातें कर रहे हैं, उस हिसाब से पूरी तरह से लग रहा है कि वह ऊर्जा विहीन हो गए हैं। नीतीश कुमार अब थक चुके हैं और उनके अब बिहार संभाले नहीं संभल रहा है, इसलिए बिहार को युवा चेहरे की ज़रूरत है। उधर कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में गुंडाराज चल रहा है, बिहार में बीजेपी और नीतीश सरकार मिलकर बिहार को लूट रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर ऐसा ही बना दिया है। इसके पहले भी प्रचार के समय पर ट्रक पर चढ़कर गुंडों ने पिटाई की थी, अब प्रत्याशी और उसके गनर की हत्या। ये दर्शाता है कि बिहार में कानून का नहीं, एक गुंडा राज है, जंगल राज है, जिसपे वर्षों से। जेडीयू नेता संजय झा ने लालू यादव पर हमला करते हुए कहा कि बिहार की जनता को शर्म आती है कि उनका पूर्व मुख्यमंत्री जेल में बंद है और इन लोगों ने इतनी गंदगी फैलाई है जिसे साफ करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समय तो लगेगा। और क्या कुछ उन्होंने कहा आप सुनिए। जितना गंदगी ये लोग फैला के 15 साल गए थे, जो कोई बचा नहीं बिहार में, 12 करोड़ लोग का सर शर्म से झुका दिए पूरा दुनिया में, उस गंदगी को रायता को सफाई करने में मेहनत तो लगता है, तो उनका एनर्जी तो लगा है, इनके गंदगी जो फैलाए हुए हैं। पिताजी कहाँ है वो भी मालूम है, पता है ना कहाँ पे हैं और क्यों हैं। बिहार के लोगों को शर्म नहीं आता उसका मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में जेल में? और ये सही है कि 17-18 घंटा मुख्यमंत्री को काम करना पड़ा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी के साथ तेजस्वी यादव की पार्टी का जमात इस्लामी और PFI के साथ समझौता हुआ है, क्योंकि उनका कांग्रेस के साथ समझौता हो चुका है। ये बात तेजस्वी यादव को बिहार की जनता को भी स्पष्ट करनी चाहिए। हम तेजस्वी यादव जी से जरूर पूछना चाहते हैं
क्योंकि बिहार का कई इलाका ऐसा है जो जमात इस्लामी के प्रभाव वाला है या कुछ और उससे जुड़े हुए संगठनों के प्रभाव वाला है। क्या कांग्रेस पार्टी के साथ तेजस्वी यादव जी की पार्टी का जमात इस्लामी और पीएफआई के साथ भी समझौता हुआ है? क्योंकि कांग्रेस तो उनके साथ हो गई है, समझौते का हिस्सेदार है, भागीदार है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को लूट लिया है, लूट का युग बना दिया है। नीतीश कई सवालों का जवाब नहीं देते, बेरोजगारी को लेकर और लॉकडाउन में मजदूरों की स्थिति का जवाब वो नहीं देते हैं। क्या उन्होंने कहा, आप सुनिए। नीतीश कुमार जी ने लालटेन युग को समाप्त किया पर लूट का युग शुरू किया, सरकारी लूट। एक एक आंकड़े सब दिए जा रहे हैं बिहार में, उसका जवाब नहीं दे रहे। वो जवाब नहीं दे रहे मुजफ्फरपुर में जिस तरह बेटियां बलात्कार होता रहा उनके साथ लगातार संवासनियों का, और उसी जेडीयू नेता अजय आलोक ने आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग अनपढ़ हैं और इनको कोई समझ नहीं सकता। जब लालू यादव को कोई नहीं समझा पाया तो इनके बेटों को कौन समझा सकता है। व्यक्ति इसी तरह से बात करते हैं, राजनीति में नफरत तो कभी हो ही नहीं सकती है किसी को किसी से भी। यहाँ लालू यादव जेल में पहुंच गए तब तो उनसे लोग को नफरत ही नहीं हो रही है। अपने घर से मार मार के सबको, बहु बेटी सबको निकाल दिया तब तो लोग को नफरत ही नहीं होती है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अलका लांबा ने हाथरस कांड की चर्चा करते हुए नीतीश और एनडीए सरकार को महिला विरोधी बताया। के लिए बिहार की महिलाओं को बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि पूरे देश में अगर सबसे अधिक पुरुषों से भी अधिक कहीं महिलाएं मतदान करती हैं तो वो बीजेपी ने उस महिला को अपना उम्मीदवार बनाया है। जो महिला मंत्री थी जिसके अधीन समाज कल्याण विभाग आता था, जिसके अधीन ये मुजफ्फरपुर शेल्टर होम आता था, हमारी बेटियों के साथ लगातार यौन शोषण होते रहे, बलात्कार होते रहे, बेटी गर्भवती भी हुई और ये सब कुछ जेडीयू बिहार की सरकार के अधीन तब हो रहा था जब देश में नारा दिया जा रहा था भाजपा द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, बेटी बचाओ। दुख के साथ कहना पड़ता है जब सच्चाई सामने आई मंजू वर्मा को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। आप सबके दबाव में। और इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।